डियर स्टूडेंट्स, फाइनली अब वो समय आ गया जब द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया आपके नॉलेज को टेस्ट कर रहा है। आपने काफी लंबे समय तक मेहनत की, एन नंबर ऑफ आवर्स आपने क्लास में डिवोट किए, इसके अलावा घर पे आपने बड़ी जबरदस्त पढ़ाई की, बहुत सारे डाउट्स पूछे, सॉल्व करवाए, कभी कभी गड़बड़ भी करी। But don't worry, relax. कंपनी लॉ के लिए आपके पास में इस बार 2 दिन का टाइम है रिविजन करने के लिए, तो आप अपना रिविजन बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि इस लास्ट मोमेंट पर किसी भी रेडीमेड रिविजन का हिस्सा बनना इज नॉट ए गुड आइडिया। कि मैं आपको कहूं कि चलो 2 दिन तक 8-8 घंटे रोज मैं आपको रिविजन कराऊंगा, नो, ये आपका अपना टाइम है। क्लास में हम एक साथ सब पढ़ते थे क्योंकि सबको एक साथ समझना होता था, लेकिन अब हर स्टूडेंट की अपनी एक अलग स्ट्रेंथ है और अपनी एक अलग वीकनेस है, तो सब एक साथ में नहीं पढ़ सकते। इस समय पर आपको अपनी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ, अपनी इंडिविजुअल वीकनेस के हिसाब से टाइम डिवोट करना चाहिए इंडिविजुअली। दैट इज द बेस्ट आइडिया फॉर रिविजन। सबसे पहली इंपॉर्टेंट टिप मेरी तरफ से आपके लिए यही है कि अपना रिविजन खुद बनिए, किसी ग्रुप बल्क रिविजन का हिस्सा मत बनिए। देखिए, मेरी तरफ से एक सजेस्टेड सीक्वेंस कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले आप द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का रिवीजन कर लें। छोटा एक्ट है क्योंकि इंस्टीट्यूट ने काफी कट डाउन कर दिया है, आपको भी पता होगा ये बात। नहीं पता है तो मेरी जो नई ऐप है वहां पर आपको लेटेस्ट नोट्स भी मिल जाएंगे, राइट, पीडीएफ फॉर्मेट में, तरुण महाजन के नाम से प्ले स्टोर पर जो ऐप है वहां से भी मिल जाएंगे, या अदरवाइज भी आप ऑब्टेन कर सकते हैं जो लेटेस्ट नोट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को इंस्टीट्यूट ने काफी कट डाउन किया है, तो एक छोटा एक्ट हो चुका है नंबर वन, और वैसे भी इंटरेस्टिंग है, तो शुरुआत में स्ट्रेस थोड़ा रिलीफ होता है इसको पढ़ने से। उसके बाद सेक्शन 1 से लेकर 22 को पहले इंपॉर्टेंस दीजिए रिविजन में, और फिर जाइए लास्ट वाले पार्ट के ऊपर जो मीटिंग्स वाला हिस्सा है 96 से लेकर 122 तक। उसके बाद रिवीजन में थर्ड नंबर पे सीक्वेंस में रखिए रिगार्डिंग डिविडेंड अकाउंट्स एंड ऑडिटर। ऑडिटर वाला पार्ट वैसे भी आपने ऑडिटिंग में भी पढ़ा है, तो ये रिवीजन आपको दोनों जगह काम में आएगा। और तब जाके बचे हुए सेक्शंस पढ़िए 23 से लेकर 95 तक के। उसके बाद में फिर कुछ डॉक्ट्रिन्स हैं, केस लॉज हैं, नोट्स के पीछे दिए हुए हैं, उनसे आप गो थ्रू करिए। और उसके बाद में फिर रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है बिजनेस लॉ का जो बचा हुआ पार्ट है अदर लॉज का, उसको आप देखिए। सो मेनली आई एम फोकसिंग ऑन द कंपनी लॉ पार्ट हियर। ये जो सीक्वेंस है दिस इज गुड, बट अब इन 2 दिन में हम रिवीजन कैसे करें? तो सबसे पहले आप रिवीजन ऑडियो सुनिए। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि वो जो मैंने ऑडियोस पहले FM/TM ऐप के ऊपर डाले थे वो अभी शिफ्ट कर दिए हैं। पहले iOS वाले स्टूडेंट्स को दिक्कत आती थी, तो तरुण महाजन नाम से उस ऐप का नाम कर दिया है। प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, एप्पल स्टोर पे भी अवेलेबल है, वही सारी चीजें आप यहाँ पर हैं। सो रिविजन ऑडियोज आप सुनिए। सबसे पहले रिविजन ऑडियो आप सुने। आपको सारे ऑडियो सुनने में मुश्किल से 2 घंटे 2.5 घंटे का टाइम लगेगा। जैसे ही 2.5 घंटे में पूरा कंपनी लॉ का सिलेबस आपके कान में पड़ेगा तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एग्जाम के टाइम नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कॉन्फिडेंस। जैसे ही आप सारे रिविजन ऑडियो सुनेंगे तो आपको अपने आप में ही एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। दूसरा, उसके बाद में आपने मेरे नोट्स पढ़े हैं, बार बार पढ़े हैं, तो मैंने नोट्स के पेज में साइड में मेमोरी हुक्स लिखे हैं। तो अब आप जैसे सेक्शन 1 से 22 पढ़ रहे हैं,
सपोज आप सेक्शन नंबर 7 पढ़ रहे हैं, 8 पढ़ रहे हैं, सेक्शन नंबर 9 पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले सेक्शन के साइड में जो मेमोरी हुक पड़ा है, लिखा है, छपा है, उसको एक बार पढ़ लीजिए। उसको पढ़ते ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि अरे हाँ, ये वाला सेक्शन का क्रक्स तो मेरे समझ में आ गया। उसके बाद में मैंने सारे की पॉइंट बोल्ड करे हैं, सिर्फ की पॉइंट से गो थ्रू हो लीजिए, या आपने अपनी तरफ से कुछ अंडरलाइन किया था साथ में वो पढ़िए। आई वोंट रिकमेंड कि आप पूरा लाइन बाय लाइन टेक्स्ट पढ़ें, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा और उसमें आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम होगा। 2 घंटे में आपने रिविजन ऑडियो सुने, उसके बाद मेमोरी हुक और बोल्ड करे हुए लेटर्स पढ़ने में भी 3 घंटे से ज्यादा समय आपको नहीं लगेगा। 5 घंटे 6 घंटे में एक बार जब पूरा कंपनी लॉ का सिलेबस आपके हाथ में आ जाएगा, नेगोशिएबल का सिलेबस आपके हाथ में आ जाएगा, उसके बाद में फिर आप क्या कर सकते हैं कि अब आपके पास और बहुत सारा समय बचा है, तो आप क्या करें कि अब चाहे तो लाइन बाय लाइन पूरा का पूरा एक बार रीड कर लें। पहले 6 घंटे यहां डिवोट करने से कॉन्फिडेंस आएगा, और उसके बाद लाइन बाय लाइन अगर आप रीड करना चाहते हैं कर लीजिए, क्योंकि टाइम तो आपके पास जरूर बचेगा, तो उससे आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव रिविजन भी हो जाएगा। सिंगल सोर्स रखिए और वो है नोट्स। एक चीज आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं, पिछले 5 सजेस्टेड आंसर इंस्टीट्यूट की साइट पर से डाउनलोड कर लीजिए, और कम से कम 3 घंटे का समय उसमें जो क्वेश्चंस दिए हैं और उनका जो आंसर दिया है उसको रीड करने में आप लगाइए, क्योंकि लेटेस्ट 5 अटेम्प्ट के अगर आप क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को एक बार रीड कर लेंगे तो आपको ट्रेंड समझ में आएगा। हो सकता है उस टाइप का कोई क्वेश्चन रिपीटेशन में आपको देखने को भी मिले, राइट? सो दिस इज 2 डेज बिफोर द एग्जाम। नाउ ड्यूरिंग द एग्जाम ये सब चीजें आप जानते ही हैं, पर मैं एक बार फिर भी आपको क्विकली बताऊं कि सिर्फ ब्लैक पेन यूज करना है आपको। हर क्वेश्चन नए पेज पे स्टार्ट करिए। जैसे आपने क्वेश्चन 1A खत्म कर लिया, वो 3/4 ऑफ द पेज में खत्म हो गया, तो नीचे बची हुई जगह में क्वेश्चन 1B मत करिए, क्वेश्चन 1B नए पेज से स्टार्ट करिए। एक क्वेश्चन के सारे सब पार्ट एक कंटिन्यूटी में आने चाहिए। डोंट डू इट कि पहले क्वेश्चन 1A करा, फिर 2C कर लिया, फिर क्वेश्चन 3A कर लिया, फिर 4D कर लिया। नहीं नहीं, क्वेश्चन 1 में अगर 4 पार्ट है ABCD, तो चारों पार्ट कंटिन्यूटी में होना चाहिए। 1D, 1C, 1A, 1B, दिस इज फाइन। पूरा क्वेश्चन नंबर वन एक साथ हो, दिस इज वेरी नेसेसरी। अपने क्वेश्चंस को जहां तक हो सके उनमें की पॉइंट्स को आप चाहें तो अंडरलाइन कर सकते हैं, सिर्फ की पॉइंट्स को अंडरलाइन करिए, या फिर आप पॉइंट डाल दीजिए 1, 2, 3, 4, उससे भी क्वेश्चन की रीडेबिलिटी बढ़ती है। केस स्टडी को कैसे आंसर करना, ये मैंने आपको कई बार पहले भी बताया है। सबसे पहले रेलिवेंट प्रोविजन कंपनीज एक्ट के आप लिखिए, नेगोशिएबल एक्ट के लिखिए, उसके बाद केस के फैक्ट्स को डिस्कस करिए, लास्ट में कंक्लूजन दीजिए। कंक्लूजन अगर गलत भी हो जाए तो एटलीस्ट आपको प्रोविजन और डिस्कशन के नंबर मिलेंगे। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। 100 मार्क्स का पेपर 180 मिनट्स में आप अटेम्प्ट करते हैं, तो इंक्लूडिंग MCQs है ये वाला हिस्सा। तो अभी आपके पास में ऑन एवरेज हर एक नंबर के लिए 1.8 मिनट्स है, मतलब यूं कह दीजिए कि 5 मार्क्स के एक क्वेश्चन के लिए आपके पास में कोई 9 मिनट का समय है। सो ट्राई टू फिनिश इट इन 8 मिनट्स, ताकि बाद में एक बार चीजों को क्रॉस चेक करने के लिए आखिरी में 10 मिनट का समय आपके पास सरप्लस बचना चाहिए, राइट? रीडेबल लेजिबल हैंडराइटिंग में लिखिए, आंसर बहुत बड़ा मत करिए। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि एक नंबर के लिए मैक्सिमम 5 लाइन काफी है, इससे ज्यादा लिखने की कोशिश करेंगे तो हैंडराइटिंग बिगड़ जाएगी। मतलब आइडियली स्पीकिंग अगर मैं आपकी जगह होता तो मुझे सप्लीमेंट्री कॉपी की कभी जरूरत नहीं पड़ती, मैं जो अपनी मेन कॉपी है उसी में बड़े आराम से फिनिश कर लेता और मेरे फिर भी कुछ पेजेस बच जाते,
राइट, मैं अपनी बात कर रहा हूं कि अगर मैं आपकी जगह होता तो सिचुएशन कुछ ऐसी होती। तो प्रिसाइज लिखिए, इससे हैंडराइटिंग अच्छी रहेगी, कॉपी चेकर को पढ़ने में आसानी होगी, टू द पॉइंट आप लिखेंगे वो हमेशा बेटर होगा। एंड कीप काम, क्योंकि आपने पढ़ा है साल भर, टेंशन करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेस में जाओगे अननेसेसरी गलतियां हो जाएगी, रिलैक्स। हाँ, इट्स नॉट अ वॉर कि आपने गलती करी और आपको एक गोली सिर में आके लगी और जीवन खत्म हो गया। नो नो, नॉट एट ऑल, इट इज जस्ट एन एग्जाम। और लाइफ में ऐसी बहुत सारी एग्जाम्स और आती जाती रहती हैं, इसलिए रिलैक्स करिए और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करिए। ऑल द बेस्ट टू यू फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।